मधुबनी नगर में स्थित जनता दल यूनाइटेड के किसान और सहकारिता प्रकोष्ठ कार्यालय में भाजपा की आरक्षण विरोधी नीति के खिलाफ जिला अध्यक्ष विनोद सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राम नरेश चौपाल के माता गुलाब देवी के 50 वर्ष के उम्र में निधन हो जाने पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्रेस को संबोधित करते हुए अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष केदारनाथ भंडारी ने कहा कि भाजपा पिछड़ा और अति पिछड़ा आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही है। उच्च न्यायालय पटना के आदेश के बाद अति पिछड़ा वर्ग आयोग ने अध्ययन कर रिपोर्ट सौंपी, जिसे पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी समीक्षा कर इस पर अपना सुविचार मंतव्य दिया। इसके बाद चुनाव की तिथि की घोषणा हुई। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का चेहरा इस तथ्य से भी उजागर होता है कि मई 2022 में मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा की सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर चुनाव की अनुमति दी है। मध्य प्रदेश भाजपा शासित राज्य है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भाजपा के 3 विधायक हैं, जबकि बिहार में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। फिर भी आयोग की अनुशंसा पर भाजपा सवाल कर रही है, उसके आरक्षण विरोधी चेहरे को उजागर करती है। लेकिन जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के गद्दी पर हैं, तब तक ये संभव नहीं है। अधिकार देना होगा। पूरे बिहार में अति पिछड़ाओं पर ये माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से एक बैठक हो रही है, क्योंकि ये जो भाजपा है वो भाजपा कभी कभी मतलब सरकार में तो है, प्रधानमंत्री हैं और भारत चला रहे हैं, लेकिन ऐसा अति पिछड़ाओं के साथ करेंगे ये किसी को पता नहीं था, क्योंकि इस तरह से करना उचित नहीं लगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए 2006 में मतलब लागू किए अति पिछड़ाओं के लिए, तो साथ में निकाय की चुनाव हुई और चुनाव एक बार नहीं कई बार हुई, उसके बाद अति पिछड़ाओं की सीट बरकरार रही, बनी रही और अति पिछड़ाओं की बुलंदी मजबूती के साथ चली। और 2006 में पंचायत चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। 2007 में नगर निकाय चुनाव में आरक्षण का प्रावधान किया गया। तब से चुनाव, नगर निकाय चुनाव, कितने नगर निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं, लेकिन इस बार 2022